Hi, this is Rachna here. Welcome to the Good Tiffin, packed with easy, tasty and fortified recipes. Fortified means we add that extra dose of goodness, par taste ko bilkul compromise nahi karte. Aaj hum bana rahe hain pita pockets, bina yeast aur bina oven ke. Hum inhe induction aur gas dono pe banayenge. मैंने इन पॉकेट्स में रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदे को पार्शियली रिप्लेस किया है राजगिरा आटे के साथ, मतलब कि राजगिरा से मैंने इन पीटा पॉकेट्स को फोर्टिफाई किया है, ज़्यादा हेल्दी बनाया है. अगेन टेस्ट और टेक्सचर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ. राजगिरा एक सुपर ग्रेन है जिसके बड़े सारे फायदे हैं जो मैं आपको ड्यूरिंग द रेसिपी बताऊँगी. पीटा पॉकेट्स का आटा बनाने के लिए मैंने डो स्क्रेपर का इस्तेमाल किया है. ये डो स्क्रेपर इस प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देता है. अमेज़ॉन पे ये इजीली अवेलेबल है. मैंने कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहे तो इन पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं. As usual, at the end of the recipe, आपको the Good Tiffin Nutrimeter दिखाएंगे जिसमें सारी न्यूट्रिशनल जानकारी मिलेगी, so you can make an informed decision. तो आइए बनाते हैं soft, delicious and healthy pita pockets. सारे आटे छान के रखे हैं. मेक श्योर कि आप आटों को सीव करके यूज करें. राजगिरा एक कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है. ये फाइबर रिच भी है इसलिए वेट लॉस में हेल्प कर सकता है. हमारे हार्ट और हड्डियों के लिए भी ये बहुत ही फायदेकारक है. आटा बनाने के लिए यहाँ दही का इस्तेमाल करेंगे. दही फर्मेंटेशन में हेल्प करेगी एंड ऑफ कोर्स ये प्रोबायोटिक है तो गट के लिए भी बहुत ही फायदेकारक है. इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे. ये दही के साथ रिएक्ट करके एक फ्रॉथी मिक्सचर देंगे. इसे हम 3 से 4 मिनट तक साइड पर रख देंगे. एज यू कैन सी दही मिक्स रेडी है. अब इसे आटे में मिक्स कर लेंगे. गुनगुने पानी से आटा गूंद लेंगे. आटा थोड़ा लूज रखेंगे. ये देखिए हाथ पे थोड़ा सा स्टिक हो रहा है. ये मेरा डो स्क्रेपर है, इससे यह काम बहुत आसानी से हो जाता है. हमारा आटा ऑलमोस्ट रेडी है. आधा या 1 टीस्पून ऑयल लेके इसे थोड़ा और गूंद लेंगे. तो आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो गया है.
अब हम गीले कपड़े से कवर कर लेंगे आटे को। अब हम इस आटे को 2 से 2.5 घंटों तक एक जगह पर रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। हमारा आटा अब तैयार है। द डो हैज रेस्टेड वेल। इसे फिर से थोड़ा गूंद लेंगे। ये आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। जरूरत पड़ने पे थोड़ा सा सूखा आटा यूज करेंगे। जैसे जैसे गोले बनते जाएंगे इनको हम वेट क्लॉथ से गीले कपड़े से कवर करेंगे कि ड्राई आउट ना हो जाए। गोले बनाते हुए इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ में अच्छे से मसल लेंगे तो आटे में क्रैक्स नहीं रहेगी। इस रोटी को मीडियम थिक बनाएंगे, ज्यादा थिन बेलेंगे तो ये फूलेगी नहीं। पैन को पहले थोड़ा गर्म होने देंगे, बाद में केयरफुली इस पे रोटी रखेंगे। जैसे ही ऐसे रोटी पे बबल्स आ जाए इसे फ्लिप करेंगे। पिज़्ज़ा बकेट्स बनाने के वक्त हमें टेम्परेचर का खास ध्यान रखना है। इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। दूसरी साइड को हल्का सा ब्राउन होने देंगे और फिर वापस इसे फ्लिप करेंगे। देखिए ये कितना अच्छे से फूल रहा है। अब हम गैस पे पीटा पॉकेट बनाएंगे। वाओ, जस्ट सी दैट, पीटा पॉकेट्स फूलने की एक अलग ही खुशी होती है। आप इन पीटा पॉकेट्स को किसी भी फिलिंग से स्टफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हंकर्ड में पनीर और वेजीज मिक्स किए हुए हैं विथ लाइट सीजनिंग। Like, share and subscribe. Click on the bell icon and never miss a single easy, healthy and delicious recipe from the Good Tiffin.